रायपुर में लॉकडाउन में फीस वसूली स्थगित करने के निर्देश के बाद भी पालकों को स्कूल प्रबंधन की ओर से भेजे जा रहे मैसेज पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर विद्यालय के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी गई है। आज हमारी वो भी बात हुई, तो अभी तो उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में तो नहीं लेना है, इसके बाद जो भी फीस इनकी तय होगी उसके बाद से वो फीस लेना शुरू होगा उनका। और उन्होंने आदेश भी किया आज हमारी बात सुनने के बाद कि इस पीरियड में जब लोगों को खाने पीने की परेशानी हो रही है, नौकरी नहीं है या रोजगार का कोई जरिया नहीं है, ऐसे समय में आदमी खाना पीना अरेंज नहीं कर पा रहा है तो फीस कहाँ से देगा। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उसकी फीस निःशुल्क रहेगी, कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं लेगा। दूसरा, किसी भी पेरेंट्स को लॉकडाउन के पीरियड से लेकर जब तक कि शासन का भी फीस निर्धारित होने का समय है, आने वाले समय पे होने वाला है, तब तक कोई भी स्कूल वाला किसी भी पेरेंट्स को लिखित में या मौखिक या मैसेज के द्वारा फीस की मांग नहीं करेगा। इसमें तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक सबसे बड़ा फैसला है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो फ्री में पढ़ाई जाएगी। रायपुर के फर्जीवा